गुलाम जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पाक सेना व स्थानीय लोगों में संघर्ष लगातार चल रहा है। इसी दौरान कई स्थानीय लोगों की मौत पाक सेना व रेंजर की गोली से हो चुकी है, जिससे प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। मारे गए लोगों के जनाजों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पाक सेना के वाहनों व रेंजर के वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है और जवानों को दौड़ा कर खदेड़ा जा रहा है, जिससे अतिरिक्त संख्या में जवानों को गुलाम जम्मू व कश्मीर में भेजा जा रहा है ताकि हालत पर काबू पाया जा सके। लेकिन लोग सुरक्षा बलों के वाहनों को अपने इलाकों में दाखिल ही नहीं होने दे रहे और पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर बुलंद कर रहे हैं। वही गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग राशन व बिजली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने राशन व बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोगों ने ना तो दो वक्त की रोटी मिल रही है और ना ही घरों को राशन करने के लिए बिजली। वही गुलाम कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लोग बिजली व राशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग भी कर रहे हैं। जमकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है और इस प्रदर्शन की आखिर वजह क्या है, जनता हिस्से ही सुनिए। हम रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत की अवाम की बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो मर्जी तुमने टैग लगाने लगा लो, अगर हमारा रब हमारे साथ है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट कि इस रियासत को बचाओ, इस रियासत को बचाओ, अपनी शिनाख्त को बचाओ। तुम्हारी शिनाख्त कायम रही ना तो सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी शिनाख्त ना रही तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। एक रियासत का कानून, एक रियासत का कानून।